हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज सिरप। आज हम इस वीडियो में एमनेस 2021 के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट 4 को डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने जीके के क्वेश्चंस पहले डाल रखे एंड पार्ट 3 में जल्दी डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और वो एमनेस पेपर पैटर्न पर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले भी बनाए हैं। अगर आप एमनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं 3। ओके, सो गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं वो सिनोनिम्स के हैं, ठीक है? देन एंटोनिम्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉम्ब रिड्यूस द हाउस टू रबल। तो रबल का हमें सिनोनिम बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब पूछे जाते हैं वो इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में रहते हैं और इसके पर्टिकुलर वर्ड का हमें बताना पड़ता है, लाइक सिनोनिम। तो रबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वैल्यूएबल, डेब्रिस, फ्लैटर, नॉन ऑफ द अबव। रबल का मतलब क्या होता है? मलबा, डैट इज़ डेब्रिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेब्रिस, ठीक है? इसका एंटोनिम देखें तो हो जाएगा वैल्यूएबल और सिनोनिम में डेब्रिस एंड डस्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल गार्ड वॉज सेंट इन टू द टाउन टू डिस्पेल दैट वायलेंट प्रोटेस्ट। तो डिस्पेल का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पेल का मतलब क्या होता है? दूर करना। तो इसका सिनोनिम असेंबल, इंक्रीज, एलिमिनेट, मोटिवेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ एलिमिनेट। तो डिस्पेल हमें वर्ड से पता चल रहा है, देखो डिस डिस्टेंस, डिस्पेल सिमिलर लग रहा है, तो इसका मतलब एलिमिनेट। और देखें तो गेट रिड ऑफ, डिस्पर्स, डिसमिस, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम। और एंटोनिम अगर हम देखें इसके तो वो हो जाएंगे गैदर, कलेक्ट, असेंबल, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, बीम्स एंड क्रैकलिंग वर्ड्स करीन डाउन। बीम्स एंड क्रैकलिंग वर्ड्स करीन डाउन। तो करीन का क्या मतलब होता है? डगमगाना, लड़खड़ाना। तो इसका अगर सिनोनिम देखे तो हो जाएगा, ऑप्शंस आर स्टैगर, एम्बल, लाउड, जॉय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ए, दैट इज़ स्टैगर। स्टैगरिंग कहते हैं, लड़खड़ाना इसका भी मतलब वही होता है। और इसके साथ में और सिनोनिम्स देखें तो स्टैगर हो जाएगा, साथ में टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट, देन वॉबल, वॉबल भी इसका सिनोनिम है, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड बेंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अगर इसके हम एंटोनिम्स देखें तो वो हो जाएंगे एम्बल एंड स्ट्रेटन, ये इसके एंटोनिम्स है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द बॉयल ऑन माई राइट हैंड राइट आर्म रैंकल वेन एवर आई रोट, ठीक है? तो रैंकल का मतलब क्या होता है? रैंकल मीन्स परेशान करना। तो अगर इसका ऑप्शंस देखें, क्वाइट, लैप्स, बॉदर, इन्फिनाइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ बॉदर। दैट इज़ जो राइट हैंड में बॉयल है, फोड़ा है, वो परेशान कर रहा है, ठीक है? तो इसके सिनोनिम्स में हो जाएंगे बॉदर, फेस्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, फेस्टर। और इसके अलावा अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो वो हो जाएंगे कूल, काम, हील, ठीक है? रैंकल याद रखिएगा। 5 का है, द मॉडर्न मदर ऑफन यूज्ड हार्श वर्ड्स दैट मेड हर सन क्राई। तो यहाँ पे मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? मॉडर्न मीन्स होता है कठोर, दैट इज़ ऑप्शंस देखें अगर, यूजुअल, हारमोनी, सार्केस्टिक, विक्ट्री, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ सार्केस्टिक। मॉडर्न का अगर सिनोनिम देखे तो वो सार्केस्टिक और कॉस्टिक भी होगा, कॉस्टिक मतलब भी यही होता है, कठोर, ठीक है? और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पोलाइट, डिप्लोमेटिक, ठीक है? हमने एंटोनिम्स कर लिए हैं, अब हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम हो गए हैं, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो एंटोनिम्स से है, ठीक है? तो 6th क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ हर रिकवरी इज राइप विद ड्रामा एंड पैथोस। तो राइप का मतलब हमें यहाँ पे क्या होता है पहले देखना है, वो होता है पूर्ण, पूरा। तो इसका अगर हम एंटोनिम्स देखें, दैट इज़ राइप का अगर हम वर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, स्टफ्ड, पैक्ड, इन सब में पूरा भरा हुआ, ठीक है? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ए, दैट इज़ एम्प्टी, खाली, ब्लैंक। तो स्टफ्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? और ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, साथ में ये जो है ये भी इसका सिनोनिम है, रिप्लीट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है,
दीज आर वंडरफुली सक्यूलेंट पीचेस। तो सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, जूसी रसीला अगर कहें तो, ठीक है। और अगर हम इसका एंथोनिम देखें, हमें यहाँ पे बताना है जैसा कि, तो वो हो जाएगा एरिड, सी सूखा। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हो जाएंगे लुशियस, इसका मतलब भी वही होता है जूसी मीठा रसीला, ठीक है। और एंटोनिम्स मैंने बताया अभी, एरिड होगा साथ में, जैसे ड्राई भी हो गया। तो दीज आर वंडरफुली लुशियस पीचेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिस्ट। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ड्स, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वो सेंटेंस के फॉर्म में आते हैं, डायरेक्टली वर्ड्स नहीं देते हैं, बट मैंने यहाँ पे अभी प्रैक्टिस से तो दे रखा है। फैमिस्ट का मतलब क्या होता है, फैमिस्ड, ऑप्शंस आर ग्लट, जेडेड, सैटिएटेड, स्टार्व्ड। तो इसका एंटोनिम बताना है, पहले हम इसका सिनोनिम देख लेते हैं क्या है। इसका मतलब होता है हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री होता है, तो स्टाफ तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। और अगर इसका एंटोनिम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ ग्लट। ग्लट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना, ठीक है, उसका मतलब ग्लट होता है। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो यहाँ पे जेडेड का मतलब समझ लेते हैं, ये भी होता है, इसका मतलब होता है मुरझाया, ठीक है, मुरझाया हुआ। और जैसे जेडेड फेडेड से मैच कर रहा है, तो जेडेड फेडेड का मतलब ही फीका ऐसा होता है, तो वैसे ही मुरझाया जेडेड, ठीक है। एंड सैटिएटेड का मतलब होता है भरा, भरपूर, तो वही। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मतलब क्या होता है, प्रोलीफरेट वर्ड हम बेसिकली बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, लाइक प्रोलीफरेट करता है कोई भी सेल जो है, बहुत ही रैपिड डिवीजन करते हैं, उसे हम प्रोलीफरेट कहते हैं। तो प्रोलीफरेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, स्प्राउट होना, रिप्रोड्यूस होना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ प्रोहिबिट, ठीक है। और डिक्रीज, रिडक्शन, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलोसल। तो साथ में आप स्पेलिंग भी देखते चलिए, मे बी अगर कोलोसल जैसे आता है तो डबल एल नहीं करना है, सी ओ एल ओ डबल एस ए एल करना है, ठीक है। और हर एक वर्ड सिनोनिम एंटोनिम में जो भी हम जैसे वर्ड देख रहे हैं, मिनिएचर, एनोनिमस, विग्रस, इन सब का स्पेलिंग माइंड में लेते हुए चलना है, इससे हमारा दोनों चीज़ प्रैक्टिस होगा। तो कोलोसल का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, विग्रस, एनॉर्मस, ऐसी चीज़ों को कोलोसल कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दी, दैट इज़ मिनिएचर, ठीक है, बहुत छोटा। तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं और ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन जो वो एरर डिटेक्शन से, हमारा 11th क्वेश्चन है, दिस मैन इज़ सीनियर देन दैट मैन इन सर्विस। तो हमें ये चार पार्ट्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, उसे टिक मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किस में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी में, यहाँ पे एरर है। हम यहाँ पे देन को डिलीट करेंगे और यहाँ पे टू लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दिस मैन इज़ सीनियर टू दैट मैन इन सर्विस। तो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लाइक सीनियर, जूनियर, प्रेफर, इन्फीरियर, इन सब में जब कंपेयर करना होता है तो हम यहाँ पे देन नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। तो यहाँ पे क्या होगा, विल जो है वो वुड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वुड होगा, विल नहीं होगा। ही सेड दैट ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। हमारा 13th क्वेश्चन है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश द क्लॉथ्स फास्टर, नो एरर। तो कौन से पार्ट में हमें एरर बताना है, यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखो, ये जो न्यूअर है ये पार्ट, हमें ये जो वर्ड है ये गलत है, यहाँ पे न्यू लगेगा, द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉज द क्लॉथ्स फास्टर, ठीक है। 14th है हमारा, इफ़ ही वॉज कॉट अप इन टाइम ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो कौन से पार्ट में एरर होगा, ए बी सी डी, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, इस पार्ट में एरर है। यहाँ पे वॉज जो है वो हैड से रिप्लेस होगा, यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, तो हो जाएगा इफ़ ही हैड गॉट अप इन टाइम ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन।
मैं ज़्यादा ग्रामिकली एक्सप्लेन नहीं करी फ्रेंड्स, क्योंकि हम मॉक टेस्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं तो कम टाइम में ही ज़्यादा कर ले बस। तो हमारा 15th क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, इसी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ यहाँ पे मैन ना होके मैन होगा, ठीक है, MEN वाला मैन, ठीक है। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैन ऑफ आवर कंट्री। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारे बहुत ही, इसलिए ध्यान से देखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में आते हैं ऐसे बिल्कुल। सो हमारा फर्स्ट है समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऑप्शंस आर इनक्रेडिबल, डिफेक्शन, एवियरी, इनफैलिबल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ इनक्रेडिबल। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। अगर हम बाकी वर्ड्स को देखें तो मैंने आपको एवियरी से पहले के मॉक टेस्ट में बता रखा है क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं। और अगर हम इनफेलिबल को देखें तो ऐसी चीज़ जो कभी भी फेल नहीं होती है, लाइक अ मैथड विच नेवर फेल। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग। एक तरफा बोलते हैं ना बायस्ड, सो द करेक्ट आंसर विल बी बायस्ड का हम इस वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डी, दैट इज़ प्रीजडाइस। ऑप्शंस आर जेस्चर, फिजियोथेरेपी, डायट्राइब, प्रीजडाइस। इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। अगर बाकी वर्ड्स को हम देखें तो जेस्चर का मतलब हमें पता है क्या होता है, हाव भाव इन सब को कहते हैं, एंड फिजियोथेरेपी पता ही है, एक्सरसाइज इन सब में आता ही है। और डायट्राइब का मतलब होता है बिटर एंड वायलेंट इन वर्ड्स, मतलब निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद के बारे में काफ़ी ऊंचा सोचना। ऑप्शंस दिए हुए हैं फेमिनिस्ट, कंसीटेड, सिमेट्री, ऑप्टिमिस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ कंसीटेड। ऐसे लोगों को टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ऐसे लोगों को कंसीटेड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कंसीटेड, ठीक है। एंड फेमिनिस्ट हमें पता है जो वुमेन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट। सिमेट्री ये हमें पता है, सिमेट्री साथ में एक और सिमेट्री होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये सिमेट्री जो होता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है, ठीक है। एंड ऑप्टिमिस्ट ये इजी है, आशावादी। सो नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, जो कभी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर इनसोम्निया, एक्वेरियम, टीटोटेलर, एपिक्यूरियन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ टीटोटेलर। तो ऐसे लोगों को हम टीटोटेलर कहते हैं जो कभी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते। इनसोम्निया का मतलब क्या होता है, जिन्हें नींद नहीं आती, इनएबिलिटी टू स्लीप। एपिक्यूरियन भोगवादी, एंड एक्वेरियम हमें पता है जहाँ पे फिशेस रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एमएनएस जो है वो आर्मी से रिलेटेड, आर्मी का ही एग्ज़ाम है तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग, तो सुबह सुबह उठाने के लिए जो विसल्स बजाई जाती हैं मिलिट्री, आई होप आप लोग के लाइफ में ऐसा दिन आए जल्दी, जब एमएनएस में जाएंगे तो ट्रेनिंग में ये सब होगा, सुबह सुबह जल्दी उठना, दौड़ना, ये सब। तो ऐसे में क्या इन्हें क्या कहा जाता है, बायकोट, रेवेले, एलियन, पैसिफिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेट इज़ रेवेले। तो इसका रेवेले जो है जल्दी आपके लाइफ में आइए, एंड बायकोट का मतलब पता है कट्टर, एलियन, एंड दिस इज़ पैसिफिज्म, शांतिवाद। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आर्टिकल्स है। 21st क्वेश्चन है द गेम हैज़ कम टू डैश एंड, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा। हमें पता है आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं, इन तीनों में से कोई एक हमें यहाँ डालना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी, दैट इज़ एन, द गेम हैज़ कम टू एन एंड। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इज़ डैश लास्ट सिटी, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी। हमारा 23 क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अ थीफ हैज़ स्टोलन माई बाइक,
तो मैंने इसका आंसर क्वेश्चन के साथ ही पढ़ लिया, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, अ थीफ हैज़ स्टोलन माई बाइक। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ ही होप्स टू जॉइन डैश यूनिवर्सिटी सून। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आर्टिकल लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ ही होप्स टू जॉइन अ यूनिवर्सिटी सून। ठीक है, ये का साउंड आ रहा है इसलिए अ लगेगा। नेक्स्ट है, डू यू नो डैश स्टूडेंट हु मेट यू यस्टरडे, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए एंड द नो आर्टिकल, सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ द, डू यू नो द स्टूडेंट हु मेट यू यस्टरडे, तो यहाँ पे द क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है, जैसे पता है हम जानते हैं, ना कि स्टूडेंट में किसी भी स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ बोला जा रहा है डू यू नो द स्टूडेंट हु मेट यू यस्टरडे, जिनसे आप कल मिले थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फाइव क्वेश्चन, वो है प्रीपोजिशन से। 26th क्वेश्चन है, द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल बी पुट डैश डेथ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ टू, द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल बी पुट टू डेथ। ठीक है, 27th है हमारा, द फ्रेंच डैश रिप्यूटेड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज वॉज आर विल बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द फ्रेंच आर रिप्यूटेड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। 28th क्वेश्चन है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ डैश, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी, दैट इज़ वेट, ब्रेविटी इज़ सोल ऑफ वेट। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 2019 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा ऐसे ही एक आया था क्वेश्चन, पेन इज स्माइटर देन स्वॉर्ड की जगह स्पेस खाली था, तो हमें स्वॉर्ड लिखना था, तो इस फॉर्म में भी प्रीपोजिशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक दे दिया यहाँ पे, दैट इज़ ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ वेट, मतलब संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द सिटी वॉज प्लंग्ड डैश डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेलियर, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा, द सिटी वॉज प्लंग्ड इंटू डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेलियर, डी होगा। ठीक है, इससे याद आया, मुझे वीडियो और पहले ही बना के डालनी थी, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, सो थोड़ा लेट हो गया, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी वॉज सिटिंग डैश अ डेक चेयर ऑल बाय हरसेल्फ, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑन, मोहिनी वॉज सिटिंग ऑन अ डेक चेयर ऑल बाय हरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मॉक टेस्ट भी बन जाए आपका, आप अपना आंसर पॉज करके लिख लिया करिएगा, देन मेरा आंसर सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन जो है वो idiom एंड phrases से हमारे, तो हमारा 31st क्वेश्चन है, सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ wearing देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव, तो ये जो मैंने बताया आपको idiom एंड phrases जो होते हैं वो exactly इसी तरह से sentence form में आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले के मॉक टेस्ट में भी बता रखा है। ठीक है, तो हमें wearing देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव, इसका हमें आंसर बताना है कि क्या इसका मतलब है, अवॉइडिंग बींग फ्रेंडली विथ अदर्स सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग टू अदर, दैट इज़ वो अपनी सारी फीलिंग शेयर करते हैं वेयरिंग देयर हर्ट ऑन देयर स्लीव। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन द ग्रास, तो स्नेक इन द ग्रास इसका मतलब क्या होगा, कावर्डली एंड ब्रूटल, अ हिडन एनिमी, लो एंड मीन, अ एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ अ हिडन एनिमी, तो इस तरह से पढ़ के आप चेक कर सकते हैं, हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ हिडन एनिमी। 33 क्वेश्चन है, अ मोमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज़ इन द ऑफिंग, तो इन द ऑफिंग का हमें बताना है करेक्ट मीनिंग क्या होगा यहाँ पे,
at the end, about to start on decline in the air. So the correct answer will be B, that is about to start a movement for the world unity is about to start. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है. हमारा 34 क्वेश्चन है. दिस रिपोर्ट कॉल्स इन क्वेश्चन ऑल प्रीवियस रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे कॉल्स इन क्वेश्चन से क्या मतलब हो रहा है? रिकॉल क्रिटिक्स टेक नोट्स ऑफ चैलेंजेस. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज चैलेंजेस. दिस रिपोर्ट चैलेंजेस ऑल प्रीवियस रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है. 35 क्वेश्चन है. ही इज इन द हैबिट ऑफ रिस्पॉन्डिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. थॉटफुली वॉइसली विदाउट डिले फुलिशली. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदाउट डिले, बिना देर किए. ही इज इन द हैबिट ऑफ रिस्पॉन्डिंग विदाउट डिले, ठीक है. तो ये हमारे 5 idiom and phrases थे. अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट स्पेलिंग से, जिसमें हमें बताना है कौन सी स्पेलिंग इनमें से सही है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें वैसिलेट का स्पेलिंग बताना है. तो यहाँ पे वैसिलेट में हमें देखना है कि एस तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है वैसिलेट में, और ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि वी के बाद आई है, तो इसे हम कट कर देते हैं अब इन तीनों में से. तो वैसिलेट में देखिए डबल एल होता है, तो यहाँ सिंगल एल है, ये भी कट हो गया. इन दोनों में देखना है अब. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, वैसिलेट में सी लगता है, ठीक है. इसका मतलब होता है वेवर मेंटालिटी, ओके. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनक्विटस का स्पेलिंग बताना है कौन सा करेक्ट होगा. कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहेंगे बट कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है हर एक वर्ड को. जैसे इनक्विटस में डबल एन ना लगाएं, ये गलत है, तो ये ऑप्शन. और इनक्विटस तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ इनक्विटस, मतलब विक्ड होता है इसका मतलब. नेक्स्ट है हमारा क्लेमेंसी. क्लेमेंसी का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एल ई, तो सी एल ई यहाँ पे भी है, ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे. क्लेमेंसी और मिनसी तो नहीं होगा, सो सी इसका आंसर हो जाएगा. क्लेमेंसी मतलब मर्सी, ठीक है. दयावान इसका मतलब मर्सी होता है. नेक्स्ट है अपैथेटिक, तो इसमें डबल पी तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया, ठीक है. एपीथेटिक भी नहीं होता, ये ऑप्शन भी गया. इन दोनों में से देखना है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ एपेथेटिक. एपेथेटिक का मतलब पता है हमें, इनडिफरेंट, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टीन, ठीक है. तो क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एल ए एन, क्लैंडेस्टीन. तो इसका ए आंसर हो जाएगा क्लैंडेस्टीन. अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, ठीक है. हैव यू फिनिश्ड द लेक्चर, तो हमें बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक्टिव दे रखा है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ हैज़ द लेक्चर बीन फिनिश्ड बाय यू, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा. नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन किल्ड द स्नेक विद द स्टिक. द चिल्ड्रेन किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पढ़ लेते हैं. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द चिल्ड्रन विथ अ स्टिक. अ स्टिक किल्ड बाय चिल्ड्रन विथ स्नेक, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कट हो गया. अ स्नेक विद द स्टिक वॉज किल्ड बाय चिल्ड्रन, तो स्नेक विद द स्टिक. अ स्नेक किल्ड बाय चिल्ड्रन विथ स्टिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ए, फर्स्ट ही सही है. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द चिल्ड्रन विथ अ स्टिक. नेक्स्ट है हमारा डिड द साउंड डिस्टर्ब हर. ऑप्शंस आर डिड शी डिस्टर्ब द साउंड, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. वॉज द साउंड डिस्टर्ब्ड बाय हर, ये भी नहीं होगा, साउंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा उससे. वॉज शी डिस्टर्ब द साउंड, ये भी गलत है. वॉज शी डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही है ये. नेक्स्ट है लेट हर डू दिस, तो लेट हर डू दिस का क्या होगा? दिस बी डन बाय हर, ये भी गलत है, ठीक है. लेट दिस डू बाय हर, लेट दिस बी डन बाय हर, सी इसका आंसर हो जाएगा. हमारा 45th क्वेश्चन है वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू, तो इसका करेक्ट
पैसिव वर्ड क्या होगा? आर यू राइटिंग द स्टोरी, आई मीन एक्टिव बताना है. आर यू राइटिंग द स्टोरी, वर यू राइटिंग द स्टोरी, डिड यू राइट द स्टोरी, डू यू राइट द स्टोरी. तो वर नहीं होगा और बींग नहीं है तो यहाँ पे राइटिंग नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज डिड यू राइट द स्टोरी. ठीक है, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वर्ड एंड क्लॉज से हैं. यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया हुआ है और जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे लगना चाहिए जो, वो हमें यहाँ लगाना है. ठीक है, तो 46 क्वेश्चन है, मॉडर्न साइंस हैज़ मेड डैश एडवांस. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ इनक्रेडिबल. मॉडर्न साइंस हैज़ मेड इनक्रेडिबल एडवांस. 47 क्वेश्चन है, ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन डैश फूड. तो वीट होलसम विद ब्रेड. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन होलसम फ्रूट फूड. 48 क्वेश्चन है, द सीक्रेट शुड डैश यू एंड मी. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ड लगेगा? रिमेन अमंग, रिमेन अबाउट, स्टे इन, रिमेन बिटवीन. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज द सीक्रेट शुड बी, द सीक्रेट शुड रिमेन बिटवीन यू एंड मी. नेक्स्ट है, आई डू नॉट केयर डैश यू गो और स्टे. वेदर इफ इवन, तो ये मौसम वाला वेदर मत कर देना, ये होगा इसका आंसर, दैट इज़ आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे. 50 और लास्ट क्वेश्चन है, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन डैश सोसाइटी. एग्रीजियस, एगालिटेरियन, एगालिटेरियन यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस है, एंड एगोइस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ एगालिटेरियन सोसाइटी, दैट इज़ समानतावादी. ठीक है, तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स. आई होप आपको अच्छे लगे हों, और अगर हेल्पफुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, सो दैट मैं अगली बार मॉक टेस्ट डालूँ तो आपको वो मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए. एंड फ्रेंड्स, मैं जो साइंस का मॉक टेस्ट है वो जल्द ही डाल दूँगी. इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी के भी बेस्ड क्वेश्चंस डाल रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो गाइस, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू.